हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरिता वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी अरबी की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये सब्जी बहुत ही बनाने में आसान है और घर के मसालों से ये बनकर तैयार होता है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने अरबी लिया है और अरबी के छिलके को हम इस तरीके से चक्कू की सहायता से उतार लेंगे। ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। इस तरीके से हमें सारे अरबी के छिलके को उतार लेना है और इसे पतले पतले टुकड़े में इस तरीके से काट लेना है। कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। इसमें आप सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, जिससे सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। इसमें डालेंगे जीरा और तेजपत्ता और जो सब्जी हमने काट कर रखी थी उसे इसमें फ्राई कर लेंगे। और मसालों में हमने लिया है लहसुन, लाल मिर्च, आप इसकी जगह पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, जीरा, हल्दी पाउडर और इन मसालों को हमें पेस्ट बना लेना है। और थोड़ी सी इसमें मैंने काली मिर्च डाली है। इस तरीके से हमें इसका पेस्ट बना लेना है। और अरबी को हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसमें थोड़ी सी ब्राउन कलर की हो जाए। इसमें डालेंगे हम नमक और इसमें डालेंगे जो मसाले हमने पीसे थे उसे, और इसमें ऊपर से हम डालेंगे सब्जी मसाला, जिससे कि इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। और इन सबको हमें चला लेना है। और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप चाहें तो इसे इस तरीके से सूखा भी रखकर इसको खा सकते हैं और इसकी ग्रेवी भी बनाकर खा सकते हैं। देखिए, चारों तरफ से इसने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ अदरक और इन सबको मिक्स कर लेना है। और इसमें टमाटर की प्यूरी हम डालेंगे। मैंने इसमें एक टमाटर की प्यूरी बनाकर डाली है और इसे भी हमें पका लेना है। जब हमारा मसाला भून जाएगा तो इसमें हम डालेंगे एक चम्मच गरम मसाला, इसे भी हमें मिक्स कर लेना है। और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। रोटी चावल के साथ इसे आप खा सकते हैं। इसकी हम ग्रेवी वाली सब्जी बनाएंगे। इसमें डाल देंगे पानी और ढक देंगे। तो देखिए, हमारी सब्जी बनकर हो गई है तैयार। आप चाहें तो इसकी ग्रेवी इतनी भी रख सकते हैं और इसे गाढ़ा भी करके इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये हमारी सब्जी बनकर हो गई है तैयार। तो आपको मेरी अरबी की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नई नई और टेस्टी रेसिपी के साथ।